नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। शिवराम राजगुरु, ये जयंती आज है, आज के बारे में हम कुछ ऐसी बातें बताना जा रहे हैं। शहीद भगत सिंह के साथ फांसी की बराबर सजा पाने वाले शिवराम राजगुरु की आज जयंती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में चंद्रशेखर आजाद के अलावा अगर कोई शानदार शूटर था तो वो शिवराम राजगुरु थे। शिवराम सावन के सोमवार में पैदा हुए थे, इसीलिए इनका नाम शिव के नाम पर रखा गया था। राजगुरु चंद्रशेखर आजाद के चहेते थे और भगत सिंह से वो चूहल करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य ने उन्हें व्रत रखने की आदत डाली थी और बाद में उन्होंने आरएसएस में संस्थापक डॉक्टर हेडगेवर ने भी उनको शरण और अपना आशीर्वाद दिया। राजगुरु की माँ की मौत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई दिनकर पर आ गई। उस समय राजगुरु 6 साल के थे। दिनकर को पुणे के राजस्व विभाग में नौकरी मिल गई और वो शादी कर वहाँ चला गया। इसके बाद उनके कस्बे में शंकराचार्य आए और उन्हीं के सुखों के द्वारा बनाए गए विष्णु मंदिर में रुके। राजगुरु शंकराचार्य से इतने प्रभावित हुए कि उनके भक्त बन गए। शंकराचार्य ने उन्हें शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए 5 दिनों का निर्जल व्रत करने को कहा। राजगुरु को लोकमान्य तिलक ने उनके साहस और अंदाज से प्रभावित होकर माला पहनाई। उस समय राजगुरु कक्षा 3 में पढ़ते थे और लोकमान्य के भाषण से काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें देखकर लोकमान्य ने कहा कि शिवराज जैसे साहसी बच्चों के लिए होते हुए स्वराज का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। शिवराम राजगुरु संस्कृत में ग्रंथ पढ़ने में मन लगाते थे, लेकिन उनके भाई दिनकर ने उन्हें अंग्रेजी पर जोर दिया। शिवराम अपने भाई को साफ साफ कहते थे कि उन्हें अंग्रेजी के लिए काम नहीं करना है तो वो अंग्रेजी भाषा क्यों सीखे। साल 1924 में उनकी परीक्षाओं के नतीजे आए और उनके अंग्रेजी भाषा में काफी कम अंक आए। इस पर दिनकर ने कहा, उन्हें 2 वाक्य अंग्रेजी में बोलने को कहा, नहीं तो घर छोड़ने को आदेश दे। शिवराम ने इसके बाद अपनी भाभी को भाभी के पैर छूकर घर छोड़ने का फैसला लिया और अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार किया। राजगुरु उसके बाद मंदिरों के दर्शन करते हुए नासिक पहुंचे और वहां कुछ दिन संस्कृत पढ़ी। पारगांवकर ने राजगुरु को आजाद और बाकी क्रांतिकारियों से मिलवाया। राजगुरु को उनके अंदाज और शूटिंग स्किल्स के लिए उन्हें टाइटल दिया गया, दी मैन ऑफ HSRA। अंडर्स की हत्या करने में भी राजगुरु शामिल थे। आजाद के लिए मना करने के बाद भी वो पिस्तौल लेकर सेंट्रल असेंबली चले गए थे और उसी पिस्तौल से फायर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इस कांड में तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। सैंडर्स की हत्या के बाद राजगुरु नागपुर अमरावती जैसे इलाकों में छिपते रहे। इसी दौरान डॉक्टर KB हेडगेवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता के घर पर राजगुरु के रुकने की व्यवस्था कराई। कहा तो यह भी चाहता है कि सैंडर्स के मामले की सुनवाई के दौरान अंग्रेज जज को वह संस्कृत भाषा में जवाब देते थे और भगत सिंह से कहते थे कि इसका अनुवाद करें।